हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये आई मेकअप एंड ये फुल मेकअप शेयर करने वाली हूँ येलो ड्रेस के साथ। आप कैसे मेकअप करें, बहुत सिंपल एंड इजी में मैंने किया है एंड बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स इसमें मैंने यूज़ किए हैं। आई होप आपको ये मेकअप अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले चलो फेस वॉश के बाद टोनर लगा लेते हैं। टोनर लगाया इसके बाद, टोनर हमारे पीएच बैलेंस को मेनटेन करता है ना, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है बहुत अच्छे से। जो हमारे पोर्स खुल जाते हैं। उसके बाद मैं एस क्यू का ये लिप बाम है और मैं इसको एस क्यू का ये ऑरेंज लिप बाम है और ऑरेंज फ्लेवर में एक्चुअली। काफ़ी अच्छा लिप बाम है एंड इसको मैं लगा रही हूँ बट। और उसके बाद मैं ये फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये है पर्पल का विटामिन बी एंड कुछ ऐसे ही करके है। ये अच्छा है, थोड़ा बहुत मुझे पसंद आया एंड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी दूसरी बॉटल है एंड पहली बॉटल मैंने ख़त्म कर दी। क्योंकि इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाली थी बट हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं स्किन केयर कर ही रही थी। इसको लगा के अच्छे से आपको मसाज कर लेनी है अपनी फेस पे और अच्छे से ऑब्जॉर्व करा लेना है। ये देख लो, अच्छा सा ग्लो आ गया आपके फेस पे। इसको लगाते ही बहुत अच्छा सा ग्लो इंस्टेंट आता है। काफ़ी अच्छा है ना, आपकी स्किन को अच्छे से रिपेयर कर देता है ये सीरम। उसके बाद मैं एन वाई वे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ एंड ये प्राइमर भी बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट प्राइमर है ये, सिलिकॉन बेस पे काफ़ी अच्छा है। एंड फिटमी का मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने आईज़ पे प्राइमर लगाया था उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मैं। ये है फिटमी का कंसीलर एंड काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बार में मैं ज़रूर दे दूँगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं एंड जितने लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है, बहुत जल्दी मैं उनके क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, वेट करिएगा। मैं थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए, सॉरी। अच्छे से मैं ब्लेंडिंग कर ले रही हूँ। ब्लेंडिंग करने के बाद इस पर थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट लगाया था, वो मिस हो गया है। केप मैंने लगाया था, मेरे पास फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे यही केप थी, कोई केप मुझे मिल नहीं रही थी। एंड मैंने स्मॉल पेंसिल ब्रश लिया है एंड मैंने ऑरेंज शेड, हल्का सा ऑरेंज शेड है, उसको मैं अपने ग्रीस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। एज अ ट्रांजेक्शन शेड मैं इसको कर रही हूँ एंड ब्राउन शेड तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आई होप आपको पसंद आएगा। ये देखो मैं अच्छे से लगा रही हूँ एंड मैंने ये केप इसलिए लगाया है कि आई शेडो मेरा इधर से उधर ना हो एंड बहुत अच्छे से लग जाए। ये देखो मैंने अच्छे से लगा लिया। और कैसे, अगर आप सिर्फ एक ही शेड लगाते हो ना तो भी बहुत प्यारा आई लुक आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके ऊपर सिर्फ लाइनर ग्रो कर लीजिए तो भी बहुत अच्छा आएगा, बट मैंने पहन रखा है येल्लो शेड तो मैं येल्लो तो ज़रूर लगाऊंगी। एंड काफ़ी टाइम से मैंने सोच रखा था ये येल्लो शेड मेकअप करने के लिए। ये देखो मैंने कितना प्यारा लग रहा है, मैंने हाथ फिंगर से ही अप्लाई किया है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक है। आप पार्टी फंक्शन में कहीं जा रहे हो, अपने हिसाब से ड्रेस पहन लो एंड आई मेकअप कर लो, बहुत सुंदर लगने वाले हो। एंड ये देखो मैंने अच्छे से कर लिया और फिंगर की हेल्प से काफ़ी अच्छे से ये शेड्स लग जाते हैं। बात ये होती है ब्रश की हेल्प से इतने अच्छे से नहीं लगते बट फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से लग जाते हैं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये है ब्लू हेवन का स्केच लाइनर एंड काफ़ी अच्छा है ये भी, बट मेरा सूख गया थोड़ा बहुत, देख सकते हो जैसे कि आप। काफ़ी टाइम हो गया मुझे लिए हुए और मेरे कोई लाइनर मिल नहीं रहे थे, मैंने इसी को अप्लाई कर लिया एंड इसको मैं थोड़ा सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ और केप की हेल्प से बहुत अच्छे सा विंग बन जाता है जैसे कि अभी आप देखोगे एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगता है विंग और अच्छा लगता है, मुझे तो फिलहाल अच्छा लगता है। आप टेप के हेल्प से बना सकते हो अगर आपने कभी विंग नहीं बनाया है वैसे तो। एंड इसके बाद मैं हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मस्कारा मेरा फेवरेट था बट ख़त्म हो गया, मुझे नेक्स्ट परचेज़ करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो गया इसको लिए हुए, आई थिंक एक साल तो हो ही गया मुझे लिए हुए और एक साल से आप लोग देख रहे हो इसको, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, एक्चुअली मेरा फेवरेट था इसलिए। और इससे आईज़, अगर आप इसको लगाते हो तो फेक आई लैसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एन वाई वे का मैं काजल यूज़ कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो और अपने अच्छे से आईज़ पे एंड देख लो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है एंड आई मेकअप बहुत ही सुंदर सा हो जाता है। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा लंबे मेरे वीडियोस होते हैं बट आपको डिटेल में बताती हूँ, डिटेल में आपको समझाती हूँ, करके दिखाती हूँ, इसलिए थोड़े से लंबे वीडियोस होते हैं। तो गाइस प्लीज़ पूरा वॉच कर लिया करिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखो मैंने केप को रिमूव कर दिया है, कितनी अच्छा सा विंग एंड आई मेकअप हो गया। पीछे देखो मेरा बेटा घूम रहा है। इसके बाद मैंने ये लिया है प्राइमर क्योंकि स्किन केयर मैं पहले कर चुकी थी और ये है पर्पल का प्राइमर, काफ़ी अच्छा है प्राइमर ये। इसको मैं यूज़ करी और इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कैसा है। सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, मैं काफ़ी टाइम पहले भी बोला था मैं शेयर करूँगी बट मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। एंड पर्पल का ही मैंने यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ किया है। ये फाउंडेशन भी अच्छा है एंड इस पर ब्लेंडिंग पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है,
इतने आसानी से ब्लेंड नहीं होता। एंड ये अब मौसम चेंज हो गया तो आप जब भी फाउंडेशन लीजिए अपने हैंड पे लीजिए और थोड़ा सा उसको वॉर्म फील दीजिए, उसके बाद लगाइए सो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है। सो ये देख सकते हो थोड़ा सा मेरे शेड से हल्का सा लाइट शेड है ये, क्योंकि मैं इतनी गोरी नहीं हूँ सो मेरे से थोड़ा सा लाइट शेड हो गया है। सो इसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगा, वो भी गैप गैप मोशन में। ब्लेंडिंग कैसे करनी है, एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसको अच्छे से गैप कर लेना है, उसके बाद उसका एक्सेस पानी जो है निकाल देना है, उसके बाद उसको ब्लेंडिंग पे करना है। सो ये देखो ब्लेंड हो रहा है अच्छे से थोड़ा सा जुकाम सा हो गया। और किस किस को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो ये देखो कितना अच्छा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और मैंने आपको इसको प्रॉपर वेस में करके दिखाया है, मैं ये नहीं करती हूँ फटाफट कर लूँ और आप लोग को समझ में भी ना आए कुछ, ऐसा कोई काम नहीं करना है मुझे। एक्चुअली मुझे आपको समझाना है, समझा कर ही करना है सो जो कि आप लोग को समझ में और आप अपनी लाइफ में कर पाओ ये सब चीज़ें। सो ये देखो अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई एंड आप भी ऐसे ही कर सकते हो। एंड फोर हेड के पास हमेशा कॉर्नर पे को लेके ब्यूटी ब्लेंडर आप तब इसको करिएगा, नहीं तो आईब्रोज फिल होती है ना, तो मैंने आईब्रोज फिल कर ली थी। सो ये देखो एंड उसी को मैंने एज अ कंसीलर यूज़ किया था आईज़ के नीचे, फाउंडेशन को ही मैंने कोई कंसीलर यहाँ पर अभी नहीं यूज़ किया है क्योंकि आईज़ के नीचे थोड़ा सा ब्राइटनप होता है तो आई शेडो काफ़ी खिल के आता है। मैंने बहुत डार्क आई शेडो लगाया है, येलो शेड तो आपको पता है कि कितना प्यारा है, मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं येलो कलर की हैं। सो ये देखो मैं उसके बाद वही फाउंडेशन जो है ना उसी को लेके मैं एज अ हाईएस्ट पॉइंट पे अपने अप्लाई कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। एंड ये देखो मैं थोड़ा सा आइस के नीचे हल्का हल्का सा लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है, सो कॉम्पैक्ट इसलिए लगाया कि कोई भी ग्रीस लाइन ना आए। सो आप भी सबसे पहले अपने आइस पे लगाइए, आइस अंगर आई पे, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी होता है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रश नहीं अप्लाई करना था। सो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत सारे काम कर सकते हो, आप ब्रश लो ना लो बहुत सारे काम हो जाते हैं। सो ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी, बट कहती हूँ वर्क मेरे से हो नहीं पाता इसलिए मैं अब करूँगी और कहूँगी कम। सो बहुत बक बक करती हूँ, मैंने इसको लगा लिया। इसके बाद मैं लगा रही हूँ एक कॉन्टोरिंग शेड है, ये एन वाई बी का कंसीलर कंटूर शेड है और काफ़ी अच्छा है, डार्क शेड मैंने लिया था। एंड इसकी कंसीलर काफ़ी प्रिगमेंटेड नहीं होती क्योंकि मैंने बहुत कम रेट में परचेज किया था, आई थिंक 100 के अराउंड आ जाते हैं, तो आप 100 रुपये में क्या लेना पसंद करोगे मान लीजिए। और हमेशा इस पर डिस्काउंट चलता है, सो 90, 80, 85 ऐसे ही मिलते हैं। सो ये देखो मैंने एक कंटूर ब्रश को लेके मैंने अच्छे से इसको कंटूरिंग कर दी है और आप देख सकते हो थोड़ा सा शेड देना बाकी था। एंड ये देखो वो बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं, ये देखो प्रॉपर तरीके से मैंने इधर ब्लेंडिंग करके आपको दिखा दिया, ऐसे ही आप लोग को करना है। और नोज़ पे मैंने थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर लिया है, देख लो, और नोज़ थोड़ी कंटूर करनी ज़रूरी थी क्योंकि पूरा फेस फ्लैट हो गया था मेरा मेकअप के बाद। सो इसलिए ये देखो हो गया। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा पाउडर शेड आता है ना उसको मैं लगाऊंगी क्योंकि मतलब क्रीम पे फिर पाउडर शेड लगाना बनता है। सो मैंने उसके बाद मैंने फिर अगेन लिप बाम यूज़ किया है, सो क्योंकि मुझे लिपस्टिक लगानी थी बट मेरा मूड देखो चेंज हो जाएगा अभी। एंड ये है हाइलाइटर, इसका रिव्यू मैं शेयर करूँगी आपके साथ ये कैसा है। सो मैंने वैसे तो इसके अपने वीडियोज़ में बहुत गुणगान किया, आप बहुत टाइम से देख रहे होंगे मेरे वीडियो तो आप लोग को पता होगा। सो ये देखो मैंने अच्छे से इसको लगा लिया अपने हायर पॉइंट पे, और आपको जैसे भी हाईलाइटर लगाना पसंद आप ऐसे लगा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। अपने इनर कॉर्नर को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा तो आईज़ थोड़ी पॉपअप लगेंगी एंड बहुत अच्छी लगेंगी। सो कभी कभी नए नए वर्ड्स में यूज़ कर देती हूँ, सो अगर गलत लगे तो सॉरी। एंड उसके बाद मैंने ऑरेंज शेड लिया, मैंने थोड़ा हाफ पे ऑरेंज अप्लाई किया एंड हाफ पे मैंने येल्लो अप्लाई किया है, आजकल ये ट्रेंड में बहुत है, आप देखिएगा अप्लाई करके। सो ये देखो ऑरेंज शेड और दोनों को शेड को मिक्स करते हैं, काफ़ी क्यूट सा शेड काफ़ी अच्छा सा निकल के आया था एंड आई मेकअप बहुत सुंदर लग रहा था। एंड इसके बाद ये देखो मैंने ब्लशर लगाया है, ब्लशर मेरे को पता नहीं क्यों एनी टाइम मुझे एक ही ब्लशर पसंद आता है, सो वो है ये। एंड मैंने बहुत लाइट ब्लशर यूज़ किया जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सो कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाएगा तो मैनेज कर लिया करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं जो ये सीख के वो सीख के, अरे यार सीखना है सीख के ही सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लिप शेड मैंने ये लगाया है, सो लिप शेड काफ़ी प्यारा है और मैंने सोचा चलो ब्लैक लिपस्टिक लगा लेती हूँ। ये ब्यूटी कैन की लिपस्टिक कैन काफ़ी अच्छी है और वाटर प्रूफ है, इसमें प्राइमर मिक्स होता है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे करती है। बट इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकती क्योंकि मैंने इसको ऑफलाइन लिया था,
सो जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पर लिया था, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मेकअप फिक्सर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, मेकअप टिके रहने के लिए। अब शादी वेडिंग्स आ रही हैं तो आप लोग ऐसा मेकअप कर सकते हो, एंड काफ़ी सुंदर एंड ब्यूटीफुल सा मेकअप है। और मैंने हाई जोड़ा बनाया है, एंड इस जोड़े का वीडियो भी बहुत जल्दी आपके साथ आया शेयर करूँ कैसे मैंने बनाया। सो गाइस कैसा लग रहा है मेरा वीडियो और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताना ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ऐसे मत चले जाना, और कुछ अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया। सो कैसा लगा मेरा आई मेकअप, मेरा फुल ट्यूटोरियल कैसा लगा। एंड छोटे से मैंने इयररिंग्स कैरी किए, मैंने बहुत बड़े इयररिंग्स कैरी नहीं किए हैं। सो ये देखो अच्छा लग रहा है ना। सो चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, बार बार बोलती हूँ बट सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। वीडियो को फुल वॉच किया करो गाइज। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो कृष्णा संजना 5 के नाम से, आपको मैं मिल जाऊँगी वहाँ पर आप सर्च मारोगे तो। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हाँ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, बगैर शेयर किए जाना नहीं, ठीक है ना। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।